धन्यवाद मित्रों, आप सभी के प्यार के लिए जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं, सहर्ष धन्यवाद देता हूं। जीवन में कई बार इस तरह के मोड़ आते हैं इंसान के पास, जब वो यूं ही अनायास परेशान हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे मित्र हैं वो जीवन में कभी घबराए नहीं। इंसान जब चलना शुरू करता है उसके बाद ही दौड़ता है। तो जीवन में जब भी आपके पास कुछ ऐसी समस्याएं आए तो उनका लड़कर मुकाबला करो, क्योंकि ये एक जीवन है और जीवन को चलना और चलाना ये सिर्फ आपके हक में है। मैं विजय चौहान, बोलो पूरा नाम विजय इंद्रनाथ चौहान, मां का नाम सुभाष सिंह चौहान, गांव मानवा, उम्र 36 साल 11 महीने 8 दिन और अभी 16 घंटे हैं। लाइफ में कभी डरा नहीं, मालूम कहीं को है डरा कहीं को नहीं। मैं नदी में जाकर मगर मत चलता मालूम क्या कहीं को डरता नहीं। इंडिया में मैं करते हैं और मानवा लेने के बाद अपन बोले गए अरे भैया आराम से तो भाई, अरे मालिक, अरे अच्छा मुंशी जी अरे ये भाई मुंशी हो दोनों तो लाल जी जैसे हो वरना ना हो। वो क्या है कि मुंशी जी हम जो है सड़क पर यूं ही निकल रहे थे, हमने देखा कि अरे जो है हमारी मीना वहां पर खड़ी है। मैं अभी कह दिया मीना भाई देखो ऐसा है कि मेरा दिल जो है वो तुम्हारे पर आ गया है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जिम्मेदारियों को मेरे ऊपर मत झाड़ो और मेरी जो है आइटम बन जाओ। मैं जो है ला 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 इस उम्र में भी कमा रहा हूं, बता रहा हूं 70 की उम्र में कमाने वाला आदमी नहीं मिलेगा भैया। आए आए कभी देखा है के बिना पानी, पानी के बिना व्हिस्की, रिवर, क्रिकेट की कमेंट्री में आपके साथ हूं, है देखिएगा। मेरे लिए चाहे जो कुछ गलत हो या सही, मैं वही करता हूं जो मेरा दिल करता है। चाहे वो भगवान के लिए गलत हो चाहे इंसान के लिए गलत हो, लेकिन उस काम का फर्क अगर मेरे लोगों के बीच पड़ता है तो मैं वो काम शुरू करूंगा, और इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े मैं किसी के बात से नहीं चलता। ये फर्क मुझ में और तुम में, अपने लोगों के लिए लड़ना मेरी फितरत है, और मैं शुरू करता हूं, और लड़ने से कभी पीछे ना हटना ये मेरी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है, समझे। ओ बसखान, खुदा गवाह किसी से ना आज तक डरा है ना डरेगा, समझा। मैंने अपने ऐसा वादा किया था कि मैं उसके लिए लव कराऊंगा, आज 20 साल बाद मैं उसके लिए लव कराऊंगा क्योंकि मैं से मोहब्बत करता हूं, और इस खुदा वाह के सामने कोई अपनी बात करेगा जबान काट कर रख देगा, समझा मालूम कई को हम पता नहीं, और पठान अपनी जबान से कभी नहीं सकता, समझा। क्या मैंने एक अगर एक जबान दी थी तो उस जबान को पूरा करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से मुझे लव कराना चाहिए, उसके लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने लोगों के लिए जरूर लव करूंगा, हमें आज लव करा, समझा। मित्रों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर लेकर के आया, आपको निराशा होगी, तकलीफ होगी, लेकिन आपको सहन भी करना होगा। कल रात 8 बजे
घबराइए नहीं, कुछ कुछ बदलने वाला नहीं है। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था, 9:30 बजे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में, नायरा और कार्तिक का झगड़ा हो गया भाई। नायरा जी ने खोए के लड्डू बनाए थे और भाइयों बहनों मित्रों, कार्तिक वो लड्डू बिना खाए ही सो गया भाई। क्या खोए के लड्डू बनाने में मेहनत नहीं लगती है क्या? मैं 125 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता हूं। क्या कार्तिक को वो लड्डू खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? अक्षय जी खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? खाने चाहिए जी, खाने चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, हम पर इल्जाम लगते हैं। कोई कहता है देखिए देखिए भैया, भैया आपके जमाने में जो गाने आते हैं वो भैया बहुत बुरे गाने आते हैं, पर भैया हमारे जमाने में गाने आए थे वो संस्कारी गाने थे, आपके जमाने में गाना आता है लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ये क्या है, ये क्या है भैया हमें बताइए। भाइयों बहनों, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, मैं जरा इनसे जवाब चाहता हूं भाइयों, क्या अगर किसी के छूने से 440 वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है तो इसमें घाटा है क्या? भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हम बिजली उत्पन्न करेंगे। मैं बचपन में ट्रेन में चाय बेचता था, मैंने एक सज्जन को चाय दी, चाय का गिलास पकड़ते ही बोले देखिए देखिए भैया, भैया ना इसमें चीनी है ना भैया पानी है, भैया ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कप खाली है, अभी चाय कहाँ डाली है। जुमले बनते रहते हैं। अभी एक गाना आया था, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है मित्रों, बेबी को बेस पसंद होगा, लेकिन हमें तो कृषि कल्याण शेष पसंद है। और उससे भी पहले हमें यह देश पसंद है भाइयों बहनों।